मार्केट में इतने सारे टाइप की लाइट मिलती है कि आप 100% कंफ्यूज हो जाते होगे अपने घर में कौन सी लाइट सेलेक्ट करें, कौन से एरिया में कौन सी लाइट लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, कितनी टाइप की लाइट आती है, कौन से टेम्परेचर की लाइट कौन से एरिया के लिए सही है। तो आज के वीडियो में मैं सब बताऊंगा और आखिरी में मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आपको अवॉइड करना है पूरी तरीके से अपने घर में लाइट सेलेक्ट करने के लिए। और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, तो अगर आपके पास डिजाइनर है, नहीं है, कुछ भी है, बट आप अपने घर के लिए सही टाइप की लाइटिंग आज डिजाइन कर पाएंगे। किसी भी रूम में लाइट सेलेक्ट करने के लिए आपको तीन पार्ट में उसको तोड़ देना होता है। सबसे पहला पार्ट होता है एम्बियंट लाइट। इससे क्या होता है, पूरा ओवरऑल रूम लिटअप हो जाता है। इसको आप मैक्सिमम एक बटन या दो बटन जैसे ही दबाएं, पूरी की पूरी जो आपकी रूम है वो लिटअप हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जगमगा दिए, दिवाली बना दिए, बहुत कम, मिनिमल बेसिक लिटअप होना चाहिए जिसमें आप आराम से रूम में कहीं भी चल पाए। और इसका जो स्विच होता है वो आपका रूम डोर के पास में ही होना चाहिए। इसमें आप ऐसी कोब लाइट लगा सकते हैं अपने फॉल सीलिंग के कॉर्नर में। फॉल सीलिंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी प्रोफाइल लाइट लगा सकते हैं, सीओबी लाइट लगा सकते हैं, पैनल लाइट लगा सकते हैं, बट फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा लाइट नहीं, बहुत कम, और जहां पे सर्कुलेशन है वहीं पे लगाना। प्लस पहले लोग ट्यूबलाइट लगा लेते थे जिससे मेरे को पूरी तरीके से नफरत है। अगर बस आप अपने रूम में एक ट्यूबलाइट लगा रहे हो और सोच रहे हैं पूरा रूम लिटअप हो जाएगा तो नहीं होगा। उससे बहुत ज्यादा शेडोज क्रिएट होती है और एक बहुत ही ऑकवर्ड सा लुक क्रिएट होता है। इसलिए ट्यूबलाइट अवॉइड करना है एम्बिएंट लाइट में, और जो टाइप ऑफ लाइट बताया उसको यूज करना। सेकेंड है टास्क लाइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट होती है और इसको अलग अलग टाइप की लाइट आपको लगाना है। मल्टीपल टाइप की लाइट अलग अलग जगह लगती है। टास्क के लाइट से मतलब उसका पूरा क्लियर है। टास्क मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और वहां पे आपको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, तो जैसे किचन है तो ये कैबिनेट के नीचे आपको ऐसी लाइट लगानी है कि आपका पूरा काउंटर लिटअप हो जाए। स्टडी टेबल है तो उसके ऊपर अगर आपको सीलिंग में लाइट लगानी है, पेंडेंट से लाइट लानी है, या फिर फ्लोर लैंप लगाना है, या स्टडी लैंप लगाना है, उससे मतलब जो भी सरफेस काम करने का वो क्लियर हो। बेड साइड टेबल है, बेड में अगर आप रीडिंग करते हो तो वहां पे लाइट लगाना है। तो आपको अपनी लिस्ट ऑफ ऐसे टास्क बना लेने हैं और वहां पे स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप की टास्क लाइटिंग देना है। टास्क लाइटिंग के लिए बेस्ट लाइट कौन सी होती है, सीलिंग में अगर आप लगा रहे हो तो डाउन लाइट बेस्ट होती है। तो जो भी सरफेस आ रहा है उसके डायरेक्टली ऊपर आप लगा लें, बस ध्यान रखें आपका शेडो नहीं आना चाहिए वर्किंग सरफेस में। दूसरी होती है, आप कभी भी वर्किंग सरफेस के ऊपर अगर कैबिनेट बन रही है तो ऐसी प्रोफाइल लाइट लगाना या कैबिनेट लाइट लगाना, उससे सरफेस हमेशा लिटअप हो जाता है बिना शेडो के। तीसरी टाइप लाइट होती है, आप फ्लोर लाइट लगा लीजिए, वॉल लाइट लगा के लैंप वाली जो होती है वो लगा लीजिए, उससे भी सरफेस पूरा लिटअप हो जाता है। तीसरी होती है एक्सेंट लाइट। एक्सेंट लाइट मतलब जो हाईलाइट हो, जो बहुत ज्यादा फीचर लेके जाए, अपने तरफ ध्यान खींचे या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के तरफ आपका ध्यान लेके जाए। इसमें जनरली मान लीजिए आपने कोई फीचर वॉल बनाया, उसको हाईलाइट करना है, तो आप इसमें सीलिंग में स्पॉटलाइट लगा सकते हैं कि पूरी वॉल में आपको स्पेसिफिकली लाइट मिले तो वो पूरी वॉल हाईलाइट हो जाए। अगर आप मान लीजिए डाइनिंग टेबल बना रहे, उसके ऊपर आपको पेंडेंट लाइट लगाना है, तो वो क्या करेगी, आपके टास्क लाइट का भी काम करेगी, प्लस वो खुद में ही अटेंशन लेके जाएगी, इसलिए वो आपकी बहुत अच्छा लाइट फिक्सर होना चाहिए। फॉयर अगर आप बना रहे हो, घर की एंट्रेंस बना रहे हो, वहां पे पेंडेंट लाइट लगा सकते हो। सोफा बना रहे हो, उसके साइड में आप एक पेंडेंट लाइट या सीलिंग ड्रॉप लाइट लगा सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये टाइप की एक्सेंट लाइट लगाते कहां पे, जो भी एरिया को अपने को हाईलाइट करना है, फीचर बनाना है, वहां ये लाइट यूज होती है, या फिर लाइट को ही अपन को फीचर बनाना है वहां पे ये यूज होती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर से समझ लो, एम्बिएंट लाइट के अंदर आपकी कोब लाइट आती है, सीलिंग में प्रोफाइल लाइट आती है, सीलिंग में सीओबीज या पैनल लाइट आती है जो आपके सर्कुलेशन एरिया को लिटअप करे। सेकेंड आपकी टास्क लाइट में क्या आती है, फ्लोर लैंप्स आते हैं, वॉल लैंप्स आते हैं, स्टडी टेबल लैंप्स आते हैं, उसके बाद आपकी ऊपर पे डाउन लाइट आती है सीलिंग में अगर आप लगा रहे हो, कैबिनेट अंडर कैबिनेट लाइट आती है, इनर कैबिनेट लाइट आती है, जो भी वर्किंग एरिया टास्क एरिया में काम करने में आपको हेल्प करे। तीसरा होती है एक्सेंट लाइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है सीलिंग में स्पॉटलाइट, कोई भी वॉल को हाईलाइट करने के लिए, पेंटिंग को हाईलाइट करने के लिए लगाते हैं। दूसरी होती है पेंडेंट लाइट जो सीलिंग से ड्रॉप होकर फ्लोर में आती है, ये टास्क लाइट का भी एक्ट करती है और प्लस खुद में भी एक एक्सेंट एलिमेंट बना लेती है, तो वो एरिया ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट पार्ट है लाइट का टेम्परेचर क्या सेलेक्ट करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि जब हम शॉप में जाते हैं बोल देते हैं पैनल लाइट दे दो, और वो कई कबार इतनी कोल्ड लाइट दे देते हैं कि वो रूम में आके एकदम वाहियात लगने लगती है, या फिर इतनी ज्यादा वार्म दे देते हैं कि ऐसा लगता है कि गर्मी लग रही है मेरे को अपने रूम के अंदर। इसलिए सही एरिया के लिए सही टाइप ऑफ लाइटिंग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, जहां पे भी आपको वर्किंग करनी है, जहां पे भी आपको कुछ काम करना है, एक्टिव रहना है, वहां पे आपको कोल्ड व्हाइट लाइट या प्लेन व्हाइट लाइट जो ट्यूबलाइट का कलर होता था ना वो अच्छा है। उससे क्या होता है कि आप जितनी ज्यादा
प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत एक्टिव फील करने लगते हो, और जहां पे भी आपको रिलैक्स करना है, सोना है, आराम करना है, कोजी फील करना है, वहां पे आपको वार्मर शेड की जो लाइट होती है वो सेलेक्ट करना है, उससे आपको रिलैक्सिंग लगेगा, नींद आएगी, कामिंग लगेगा। तो सिंपल क्या हो गया डेफिनेशन, जो मेरा ऑफिस स्पेस है, वर्किंग स्पेस है, स्टडी एरिया है, यहां सब के लिए मेरे को कोल्ड लाइट में जाना है, और जहां पे मेरे को एक्सट्रीमली आराम चाहिए, जैसे कि बेडरूम हो गया या फिर लिविंग रूम का सोफा वाला एरिया हो गया, जहां मेरे को पूरी तरीके से रिलैक्स होना है, वहां वार्म लाइट में जाना है। और जितना भी एरिया बीच में आता है, जैसे कि पैसेज एरिया हो गया या फिर डाइनिंग एरिया हो गया, ऐसे एरियाज जहां पे ना आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना है और ना बहुत ज्यादा कोजी फील करना है, वहां पे आप नेचुरल शेड की लाइट लगाओगे, इसको सेलेक्ट कर लोगे तो कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये तीन मिस्टेक अपने घर की लाइटिंग डिजाइन में कभी मत करना। नंबर वन, जैसे किचन एरिया हो गया, स्टडी एरिया हो गया, यहाँ पे बस आप ट्यूबलाइट या फिर ऐसी वॉल लाइट बस मत लगा लेना जहां से आपके वर्किंग एरिया में शेडो आ रही है। अगर ऐसा होगा तो किचन में लगने कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब भी काम करोगे तो काउंटर में आप ही की वजह से अंधेरा रहेगा, इसलिए वहां पे टास्क लाइट जरूर से लगाना। सेकेंड, घर में पूरी व्हाइट लाइट लगा लेना, फ्लोरोसेंट व्हाइट लाइट पूरे घर में लगा लिया तो ऐसा लगेगा ऑफिस में आ गए हो, बहुत ही गंदा फील होगा, कोजीनेस लगेगी नहीं, वार्मथ लगेगी नहीं। इसलिए अगर व्हाइट लाइट पसंद भी है तो बस किचन या स्टडी एरिया में लगाओ, बाकी घर में नेचुरल लाइट या फिर वार्म लाइट को ही सेलेक्ट करो। थर्ड, घर को शोरूम नहीं बना लेना है, उतनी ही लाइट लगाओ जितनी नीडेड है। बहुत सारे लोग सीलिंग में भर भर के लाइट लगा देते हैं, हर 2 फीट के बीच में डिस्टेंस पे एक लाइट पॉइंट दे देते हैं और लाइट लगा देते हैं, वो सही नहीं है। जहां पे आपको सर्कुलेशन में जितनी लाइट लीडेड है उतनी ही लगाइए, और लेयरिंग कीजिए जो मैंने शुरू में बताया था, सीलिंग लाइट लगाइए, फ्लोर लैंप लगाइए, वॉल लैंप लगाइए, और कुछ एक्सेंट लाइट या पेंडेंट लाइट दीजिए, तभी घर अच्छा लगेगा, और जितनी कम लाइट रहेगी उतना कोजीनेस घर में ज्यादा लगेगा। और प्रो टिप, अब आप बिना फॉल सीलिंग करे भी अपनी सीलिंग में लाइट लगा सकते हो, उसका डिटेल प्रोसेस वीडियो देखना है तो ये ऊपर आई बटन में क्लिक करो और हमारा ही बनाया हुआ वीडियो देखो, जिसमें पूरी तरीके से समझाया बिना फॉल सीलिंग करे, लेवल डाउन करे, कैसे लाइट लगा सकते हैं। प्लस अगर आपको मेरी सिलेक्टेड लाइट्स का लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर देना लाइट डिजाइन, या फिर कमेंट कर देना लाइट, तो आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी टीम आपके साथ शेयर कर देगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हो। एंड फॉलो होम इंडिया इन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड वी विल मेक श्योर टू मेक योर ड्रीम होम कम ट्रू।